हेलो गाइस, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पी या निके सिस्टमेटिक विड्रोवल प्लान देखेंगे, जिसके तहत म्यूचुअल फंड से हम हर महीने इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों एक मुश्त पैसा जमा करके अपनी मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपको ये सुविधा प्रोवाइड कराता है। म्यूचुअल फंड के अंदर इस पूरे प्रोसेस को SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रोवल प्लान कहा जाता है। इसके अंतर्गत आप दोस्तों 5,000 से लेकर 40,000 रुपये तक की मंथली इनकम प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि इसके लिए हमें एक म्यूचुअल फंड की ज़रूरत होती है। म्यूचुअल फंड में जिस तरह से हम दोस्तों SIP करते हैं या लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड के अंदर से आप मंथली इनकम भी ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक म्यूचुअल फंड स्कीम चुननी होती है। उसके अंदर एक लमसम अमाउंट जितना आप कर सकते हैं, मिनिमम 5,000 रुपीज़, और मैक्सिमम जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। सपोज़ आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर जो आपको दोस्तों पैसा हर महीने विड्रोवल के रूप में लेना है, वो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ और सिर्फ 0.8% लेना है। यानी कि 0.8% के हिसाब से आप हर महीने 800 रुपये का विड्रोवल इसके अंदर लगा सकते हैं। तो 800 रुपये का विड्रोवल अगर आप 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करके लगाते हैं, और वो फंड जिसके अंदर हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो आपको 15% का रिटर्न भी दे देता है। तो अगर हम 5 साल के बाद में उसकी सिचुएशन देखें, तो 5 साल के बाद में हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 1,32,000 रुपये हो जाता है, और 48,000 रुपये का हम दोस्तों विड्रोवल ले चुके होंगे 5 सालों में। अब जिस स्कीम को हमने चुना है दोस्तों, वो है SBI का एक शानदार फंड, जिसका नाम है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, इसके ओवरऑल रिटर्न्स अगर हम देखें तो 14.93% के इसके रिटर्न्स हैं, और 5 साल के अगर हम रिटर्न देखें तो 12.40% के रिटर्न्स हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 14.18% के हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 11% के हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने दोस्तों कितने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं FD, RD या मंथली इनकम स्कीम या PPF स्कीम के कंपैरिजन में। दोस्तों 2 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। ओवरऑल इस फंड के रिटर्न 14.93% के हैं। तो अगर हम 14% के रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलें, और हम इसके अंदर दोस्तों एक मुश्त मान लीजिए 5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो 5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया। अब दोस्तों जितना इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उसका सिर्फ और सिर्फ 0.8% ही हमें विड्रोवल के रूप में लगाना है। यानी कि आप इसके लिए 4,000 रुपये का विड्रोवल लगा सकते हैं 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के बाद। तो 14% रिटर्न के हिसाब से 5 साल के बाद में क्या सिचुएशन बनेगी, 5 लाख रुपये हमारा बढ़कर 6,25,000 रुपये हो जाएगा, और 2,40,000 रुपये का हम विड्रोवल भी इसके अंदर से ले चुके होंगे मंथली इनकम के रूप में। अब फ्रेंड्स मान लीजिए 15 लाख रुपये का आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो 12,000 रुपये का दोस्तों आपको हर महीने मंथली इनकम जनरेट हो जाएगी, और आपका जो 15 लाख रुपये है वो भी 5 साल के बाद में बढ़कर 18,76,000 रुपये हो जाएगा। अब आप इस पूरे प्रोसेस को 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने समय के लिए चाहें उतने समय के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसको 15 साल तक इस पूरे प्रोसेस को चलाते हैं, तो हमारा 15 लाख रुपए बढ़कर 39,98,000 रुपये हो जाता है, और 21,60,000 रुपये का हम विड्रोवल भी ले चुके होंगे अगले 15 सालों में। तो 12,000 रुपये प्रति मंथ का हम विड्रोवल इसके अंदर लगा सकते हैं। अगर आपका बजट है और भी ज़्यादा और आप लगा सकते हैं दोस्तों 20 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट, तो 20 लाख पर हम कितना दोस्तों विड्रोवल ले सकते हैं, 16,000 रुपये प्रति मंथ का विड्रोवल हम लगा सकते हैं। तो 16,000 रुपये प्रति मंथ विड्रोवल से यानी मंथली इनकम अगर हम सेट करते हैं, और 14% ये हमें रिटर्न प्रोवाइड कराता रहता है, तो 15 साल के बाद में हमारा 20 लाख रुपए बढ़कर 53 लाख रुपए हो जाता है, और 28,80,000 रुपये का हम दोस्तों विड्रोवल भी इसके अंदर से ले चुके होंगे। तो आप इस तरह से दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड के थ्रू मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। SBI का ये एक शानदार फंड है जिसका नाम है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। इसके अंदर दोस्तों शेयर मार्केट में अगर गिरावट भी आती है, तो उस केस में इस फंड के अंदर ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो आप इसके अंदर अपना पैसा विदाउट हेजिटेट इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 0.8% ही विड्रोवल के रूप में लगाना है, उससे ज़्यादा पैसा विड्रोवल के रूप में नहीं लगाना। अब आप ये इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं, और आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके भी इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। अपना डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप ग्रो या जीरोधा के अंदर दोस्तों अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इस पूरे प्रोसेस
प्रोसेस को खुद से भी कर सकते हैं। धन्यवाद।